उधर अमृतसर विखे हरजिंदर सिंह तामी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, सिद्धा लै चलते हैं। वो सदी गई सी जेदे विच पांच चार जिहड़े साडे करंट मुद्दे सीगे, सब तो पहला मुद्दा सी श्री पंजा साहब की शताब्दी का साका, जिहड़ा पंजा साहब गुरु के बाग दे मोर्चे की असीं शताब्दी पहला मना चुके हैं। तो साडा पिछले दिन एक वापस गया सी दिल्ली, जिहड़ा उत्थे दे सफीर साहब नूं पाकिस्तान दे मिल के आया। तो हुण साडी एक पांच मैंबरी जिहड़ी टीम आ उह पाकिस्तान जाऊगी, उत्थे जिहड़े अगाऊ प्रोग्राम उस शताब्दी दे करने आ वो सारे तय करके आउणगे। उस तों अलावा साढ़े तकरीबन उत्थे पाकिस्तान नूं डिटेल भी भेजी जा चुकी है सारी, वो जिहड़ा हुण वापस जाऊगा वो बैठ के उहनां दे नाल वो सारे निर्णय वो कर आऊगा। एक क्योंकि बिजली का हुण सोलर सिस्टम जिहड़ा लगभग बहुत सारिया जगह ते लग रहा, साढ़े धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पवित्र स्थान श्री बाबा बकाला विखे, उत्थे साड़ी प्रपोजल बनी है भी वो तकरीबन असी उत्थे सारा जिहड़ा बिजली का सिस्टम है वो सोलर दे नाल शुरू की करन दी तैयारी कीती। उहदे विच साढ़े को जिहड़े यूनाइटेड सिख मिशन वाले ढेंडसा ग्रुप से जिन्होंने पहला भी सचखंड श्री दरबार साहब विखे सोलर की सेवा की सी, एक असी उन्होंने टच कर रहे हैं। तो जे उन्होंने साड़ी कार सेवा के रूप के मन गए तो मैं आस या मन भी जाएंगे, वो भी अज डिस्कस होया भी उत्थे तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया लगना, वो जिहड़ा सिस्टम है वो सारा जिहड़ा है वो तय करके उहदी शुरुआत की जाऊगी। दूसरा क्योंकि सरावां दा दरबार साहब दे नाल थोड़ा प्रबंध है, अकाली मार्केट दे विच पिछले दिन ही तुहानूं सारयां नूं पता ही आ साडी लगभग 7 एकड़ पैली आ जिथे बहुत सारे दुकानदार पुरानियां 100-100 साल पुरानियां दुकानां सी जिन्हां दा खादसा सी भी डिग पैण गिआ, वो सारिया दुकानदारों की सहमति दे नाल जिहड़ी अंदर अंदर साडी वो दुकानों की मार्केट सी वो सारी खाली कर ली गई है। हुण जिहड़ियां बाहरले पासे दुकानां मेन उन्होंने भी साडा लगभग फैसला तय हो गया कि तुहानूं नवीं दुकानां बना के देंगे। सो वो 7 एकड़ दे विच असीं इमीजिएटली 1000 गड्डी की पार्किंग लई एक अंडरग्राउंड ते एक अंडरग्राउंड तो उत्ते फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ते उहदे उत्ते फिर 4 साढ़े बड़े हाल बन गए। उस तो उत्ते क्योंकि बहु मंजिली नहीं असी बना रहे, 4 मंजिली वो बनावांगे, वो जिहड़ा उहदी भी तजवीज़ आ कि उहनूं तुरंत शुरू कर दिता जाए। सब तो बड़ा क्योंकि अज सवेर वेले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जिहड़ी साडी हरियाणा कमेटी बनाई सी किसे वेले हुड्डा साहब ने वो चैलेंज की सी ते उहदा फैसला पिछले दिनों दे विच सुरक्षित रख लिया सी, अज वो फैसला आ गया असीं उहदी भी सारी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हले फैसले की कापी नहीं साडे कोल पहुँची, असीं अपने अधिकारी दिल्ली नूं भी भेजे आ ते वकीलों के नाल भी असीं सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो अज एग्जैक्टिव ने भी बैठ के फैसला किया कि उहदी रिव्यू पटीशन जिहड़ी उह तुरंत पाई जाए। सो ये अज साडे करंट टॉपिक जिहड़े 5-4 सीगे जरूरी वो अज असीं अपनी इस मीटिंग दे विच जिहड़े उह तय कीते। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। बिल्कुल की जाऊगी, उहदे साडा मीत सकत्तर सरदार लखबीर सिंह दिल्ली नूं इतों रवाना हो गया, वकीलों के नाल बैठ के मशवरा करके जिन्हें भी कानूनी जिहड़े साडे को उपलब्ध हैगे आ वो सारे
असी जरूर उन्हां दे उत्ते दौड़ भज करके जिहड़ी कानूनी चाराजोरी जरूर करांगे। क्योंकि हुण साडा वापस जाऊगा उत्थे नूं, उदां नहीं सानूं 200 बंदा कहिंदे अलाउ कर देंगे, वह हुण जिहड़ा साडा वापस इत्थों जाऊगा वह उत्थे बैठ के उन्हां दे नाल सारा तय करेगा। उदां साडे कोल 100 पासपोर्ट आ चुका, कुछ साडे अपने अधिकारी भी नाल जाने हुंदे आ, 200 का लगभग जथा होगा, जिहदे विच सिंह साहब नाल भी बैठ के फैसला होया सी कि जिथे पंजा साहब आपां शताब्दी मनाउणी उत्थे जिहड़ा रेलवे स्टेशन जिथे ये कांड वापरिया सी उत्थे भी असी एक छोटा कीर्तन रूपी जिहड़ा उत्थे भी समागम करांगे। हाले क्योंकि अज फैसला होया, फैसले की कापी आऊगी, वो फैसले की कापी का सारा मुलांकन करांगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साड़ी सर्वोच्च अदालत आ, जो उहदा फैसला होगा असीं कानूनी चाराजोरी अपनी जरूर करांगे, पर जो फैसले के अकॉर्डिंगली होगा वो तो जरूर अमल करेंगे। देखो ये साडे ये केंद्र का एक्ट भी आ, सारा आल इंडिया का एक्ट भी आ, क्योंकि इस एक्ट के साडे कोल जिहड़ी कोऑप्शन हुंदी आ वो हाउस के 15 मैंबर असीं कोऑप्ट करते हैं वख वख स्टेटां दे विचों, 4 स्टेटां दे विच तां साडा इह हुंदा ही आ, पर क्योंकि हुण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अज ये उत्ते वर्डिक्ट दे दिता आ, तो असी साडा मुद्दा भी इहो सी, असी इसे पक्ष के उत्ते उत्थे सारी साडे वकील ने बहस भी की आ, पर हुण कोर्टां दे जिहले फैसले आ जाण फिर उन्हां ते किंतु परंतू नहीं किया जा सकता। मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी साडी ऑनरेबल सर्वोच्च अदालत आ, उदा क्योंकि जे आपां जज्बाती तौर पर जां उवें मैं कह लवां तो सानू इह महसूस हुंदा आ कि ये फैसला जिहड़ा आ ये उन्हां रूहां दे बना ते नहीं किया गया, जिहड़ियां साडियां क्योंकि 4 स्टेटां दे विचों चुन के ये जिहड़े साडे मैंबर साहिबान आउंदे आ, पर हुण सत्कारयोग अदालत ने जिहले फैसला देता फिर उहदा मुलांकन सारा करके अगला करके नहीं साढ़े हथ देखो जिहड़े साडे 72 गुरुद्वारे सी उह सीगे पाकिस्तान च, उह साडी बेबसी कह लो मुल्क दी पार्टीशन हो गई, उस तो बाद जिहड़ा ताकत श्री हजूर साहब ते ताकत श्री पटना साहब हरिमंदर वो क्योंकि एक बिहार दे विच आ ते एक महाराष्ट्र दे विच आ, ते ये साडा पांचवां ताकत ताकत श्री दमदमा साहब सी, ते असीं तां चाहुंदे सी वी साडे आल इंडिया सिख गुरद्वारा एक्ट बन के ये साडे सीधे प्रबंधां दे विच आउण, पर सरकार दी मैं कह सकदा बड़ी वड्डी दखलअंदाजी आ, सरकार नहीं चाहती भी जिहड़ी ये सिखां दी ताकत आ इकट्ठी होवे, इहो कारण आ कि हजूर साहब का 3 महीने हो गए अज बोर्ड भंग होए नूं, भावें डॉक्टर पसरीजा पहलां भी उत्थे दे प्रधान रहे आ, उह सहिरद सिख भी आ, पर क्योंकि डेमोक्रेसी का एक नॉर्म हुंदा वो अज तक मुड़ के उस बोर्ड नूं बहाल नहीं किया गया। ताकत श्री पटना साहब जिहड़ा उहदा भी इसे तर्ज ते हाल आ, ते जिहड़ा नानक मते पिछे चोणां होईआं ते उह चोणां तों बाद जिद्दां प्रधानगी दी चोण होई आ, मेरा ख्याल इह भी डेमोक्रेसी का एक धूआं कढ़न वाली गल सी। ते जे दिल्ली वाली गल करिए ते दिल्ली दे विच तां सीधे तौर दे उत्ते ही अज जिहड़ी उह दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आ वो सरकार की झोली च बैठी है। ये तो देखो आज जो तुम बोल रहे ये तो साफ झलके होंगी आ, फैसला सुप्रीम कोर्ट का होया, हुड्डे ने वो एक्ट बनाया सी, वो हुड्डा उस जमात का मुख्यमंत्री सी जिस जमात ने सिखां दे नाल हमेशा बेइंसाफी की आ, जिस जमात ने सिखां दे पवित्र ताकत नूं ढह ढेरी किया, जिस जमात ने
पंजाबी सूबे दे मोर्चे दे विच बड़ा बड़ा लड़ाई दा जिहड़ा सी उहदे विच सिखां दा नुकसान कीता। सो उहनां दे तां सानूं इस गल दा है ही नहीं सी क्योंकि उहनां दी तां फितरत आ, कांग्रेस दी फितरत रही आ सिखां ते जुल्म ढाउण दी। पर अज सानूं इहनां सरकारां दे भी दुख महसूस होया कि इह सरकारां भी उसे पद चिन्हां ते चल रही जिन्हां पद चिन्हां दे उत्ते किसी वेले सिखां दे नाल वितकरा किया जाता सी उहे पद चिन्ह अज इह भी अपना रहे। देखो सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी आ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਆਊਟ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਡਹੋਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਜਾਦੂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੱਜ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆ, 102 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ
नहीं असफल नहीं रही। देखो कांग्रेस जमात ने हमेशा ही सिखां दे नाल मैं सीधे लफ्जां च कलमा धरोई कीता और इहो कारण आ भई हुड्डा साहब ने उदों ये हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बकरी बना के सिखां दी ताकत नूं कमजोर करन दा एक कोझा जिहड़ा उह जतन कीता। बाकी जिथे तक हरियाणा कमेटी का सवाल जिन्ने मैंबर 11 चुन के आउंदे आ उन्हां दे हक्कां दी पूर्ति अज मेरी पीरी उत्थे हॉस्पिटल चल रहा उत्थे बाकी गुरद्वारा साहिबाना दीआं बिल्डिंगां दे विच बड़ा वड्डा वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ा आ उन्हां दा नवीनीकरण कीता गया उत्थे कॉलेज साडा चलदा आ स्कूल साडे चलदे आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। अदरवाइज तो हूँ क्योंकि जे अपनी स्टेट की पावर होंगी तो हरियाणे दे विच उन्होंने अपनी इस्तेमाल कर ली आ ते पंजाब दे विच क्योंकि फॉल ही नहीं करता तो जो आप जी सहजधारियों वाली पटीशन जो हुई आ खिलाफ उस तो बाद जी नोटिफिकेशन हुई वो पार्लीमेंट के हुई तो एक्ट ही प्रोवाइड करता कि पार्लीमेंट ने जिसले जनरल हाउस को मता पा के भेजता वो पार्लीमेंट के डिस्कस होता फिर वो अदरवाइज वो बिल बनता ज अदरवाइज जिहड़ी इन्हां दी कोई नोटिफिकेशन है उन्हूं असली रूप दिता जांदा। तो साडी तां पली इह सी भई सेंट्रल एक्ट आ ते इहदे विच कोई दखलअंदाजी नहीं की जा सकती पर कोई नहीं हुण फैसला सुप्रीम कोर्ट दा आ गया उन्हूं बैठ के मुलांकण करके अगला प्रधान जी उत्थे इक जिहड़ा तकनीकी पहलू इह है कि कल नूं जे उत्थे वी जिस तरां पहलां एसजीपीसी दीआं चोणां हुंदीआं ने हरियाणे दे विच वी जिहड़े एसजीपीसी दे दी सोच जां पंथ दे सोच रखण वाले लोक लड़के जित के ओह वी उत्थे काबिल हो सकदे आ। चलो उत्थे हुण जिले डेमोक्रेसी है जिले वोटां पैणियां वोटां तां कोई भी तड़ा सकदा उत्थे तां हुण सारयां नूं खोलिया कोई भी लड़ सकदा। वाहिगुरु जी का खालसा ਨਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸੇ ਕੌਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।